ये जीआर झूठ मूठ का है, उससे कुछ होने वाला नहीं। ऐसे कई जीआर निकले, छत्रपति शिवाजी महाराज का शपथ ग्रहण किया और एक या जीआर लाया, क्या हुआ उस जीआर का? वो नाटक नाटक को पूछो। ये जीआर का नाम से प्रकल्पग्रस्त लोगों का मजाक मत उड़ाओ। और कौन ये नाटा? वो अब तक सोया था, आज इलेक्शन सामने है और उसको इलेक्शन लड़ना है। नवंबर में जीतने के लिए विजय नाटा जी को दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, ये विट्ठल मोरे का स्टेटमेंट है। अभी जो चल रहा है सब, मुख्यमंत्री जी लड़की बहन वो भी लोगों को मालूम है, पैसे हमारे और तुम नाच रहे। नवंबई के गर्जे पुटी बनाए घरों का सुधारित जीआर प्रकाशित कर दिया है एकनाथ शिंदे सरकार ने, और शिवसेना इसे लेकर जश्न मना रही है, जल्लोष कर रही है कि ये जीआर सबसे पहले 25 फरवरी 2022 को महाविकास आघाड़ी सरकार ने निकाला था, अब उसे सुधारित किया गया है। क्या वाकई जीआर में कुछ बदलाव हुआ है, कुछ ऐतिहासिक इसका फायदा होने वाला है? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ शिवसेना के वरिष्ठ नेता हैं विठल मोरे साहब। मोरे साहब, आपसे सवाल यही है कि जो सरकार ने अभी जीआर निकाला है, बहुत ज्यादा उसको लेकर जल्लोष हो रहा है कि ऐतिहासिक जीआर है, प्रकल्पग्रस्तों का बड़ा फायदा होने वाला है, आप इसे किस नजरिए से देख रहे हैं? गर्जेपोटी घरांचा जो प्रश्न है, जो काम करना चाहिए उसके लिए मैं स्वागत करता हूँ अगर इस तरह का जीआर निकला है। लेकिन मेरा प्रश्न यह है, इसके पहले एकनाथ शिंदे साहब के सरकार ने अब तक कितने जीआर निकाले और कितने जीआर पर अमल हुआ, ये मेरा प्रश्न है। गर्जेपोटी घर मिलना चाहिए लोगों को, उसके लिए हम उनके साथ काम भी करेंगे, काम किया है हमने, लेकिन ये खाली दिखावा है। मैं आपको बोलता हूँ, इस शिवाजी चौक में जनवरी में हमारे मनोज जरांगी पाटिल जी ने, जो उनके गांव से मराठवाड़ा से यहाँ तक आ गए, वो शिवाजी चौक में रोका गया, उनको मुंबई जाना था, मंत्रालय को घेराव करना था, लेकिन मंत्रालय में घेराव करेंगे तो ये सरकार बदलनी पड़ेगी, इस डर से उन्होंने नवंबर में उनको रोका। नवंबर में रोका तो उनको कोई बात तो देनी चाहिए ना, उनको कोई शब्द देना चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेके उन्होंने सगे सोयरे को भी हम इस इसमें रिजर्वेशन में लाएंगे, मराठा आरक्षण में उन्होंने प्रॉमिस किया, जीआर निकाला। क्या हुआ उस जीआर का? इन लोग जश्न जश्न वो टाइम मनाया ना, गुलाल जेसीबी से गुलाल उतारा, क्या हुआ उसका और इसका क्या होने वाला है? ये जीआर का नाम से प्रकल्पग्रस्त लोगों का मजाक मत उड़ाओ। आप लोग प्रकल्पग्रस्तों का मजाक उड़ा रहे, और कौन ये नाटा? वो अब तक सोया था, आज इलेक्शन सामने है और उसको इलेक्शन लड़ना है, इसके लिए वो दिखा रहा है, इसके लिए बोल रहा है वो? तो आपको लगता है कि ये सिर्फ चुनावी हथकंडा एकनाथ शिंदे सरकार ने अपनाया और जल्लोष? और उसमें कुछ नहीं है, ये चुनावी मामला है और कुछ नहीं, उनको और कुछ नहीं करना है। लोग इतने पागल नहीं है, और प्रकल्पग्रस्त ये पूरे इतने सालों से इसके लिए झगड़ रहे हैं, वो ये ऐसा नाटा फंसाने से फंसेगे नहीं, उनको मालूम है नाटा किधर रहता है, नरीमन पॉइंट में, उसको ढूंढने के लिए कौन जाएगा? जा सकते कोई? बोल दिया नाटा ने जिया लाया, प्रकल्पग्रस्तों का मसीहा। अरे क्या किया तुम? इधर तुम कमिश्नर थे, डिविजनल कमिश्नर थे, शिवसेना के नेता थे, यहाँ पर तुम लोग माड़ा का आपको महामंडल दिया था, उसके बाद में पर्यावरण का दिया था, क्या किया नवंबर के लिए? उनका साफ तौर पे कहना है कि यहाँ के जितने भी नेता रहे हैं वो 40 सालों में प्रकल्पग्रस्तों के लिए कुछ भी नहीं कर पाए और उन्होंने 2 साल के अंदर प्रयास करके इसे सफल कर दिया। तुम्हारे जैसे लोगों को फंसाया नहीं, 40 साल जो लोग काम कर रहे हैं ना, तुम्हारे जैसे लोगों को फंसा दे नहीं, तुम जो फंसा रहे लोगों को, ये फंसाना बंद करो। लोग जानकार है यहाँ पर, यहाँ के प्रकल्पग्रस्त है या आम नागरिक है, वो तुम्हारे जैसे लोगों को फंसेंगे नहीं। अभी लोगों को पूरा मालूम है शिंदे साहब ने क्या किया, अभी जो चल रहा है सब, मुख्यमंत्री जी लड़की बहन वो भी लोगों को मालूम है, पैसे हमारे और तुम नाच रहे, लोगों को मालूम नहीं पड़ता है किसका पैसा? तुम्हारे जेब से पैसा दिया क्या? तुम्हारे बैंक अकाउंट से पैसा लाया?
ये जैसे बोल रहे हैं ना हम आपको दे रहे, इतने बड़े बैनर लगाने की क्या जरूरत है? एक भी बैनर का परमिशन नहीं निकाला है, वो कमिश्नर को दबा रहे हैं। हम शिंदे साहब के आदमी, हम मुख्यमंत्री के आदमी, कमिश्नर दब रहा है, कमिश्नर को क्या कर सकता है कमिश्नर? उसको नौकरी करनी है, नहीं तो तुम लोग उसको ट्रांसफर कर देंगे। ये जीआर झूठ मूठ का है, उससे कुछ होने वाला नहीं। ऐसे कई जीआर निकले, छत्रपति शिवाजी महाराज का शपथ ग्रहण किया और एक या जीआर लाया, क्या हुआ उस जीआर का? वो नाटक नाटक को पूछो, वो जीआर का क्या हुआ उसका जवाब दो, बाद में ये जीआर का बैनर लगाओ। अभी आपकी भूमिका क्या होगी? नाटा के पास जाता है कौन प्लॉट, फिर नाटा तोड़बाजी करता है, वो हम नहीं करेंगे। अभी उसको सत्ता ही क्यों चाहिए, पावर ही क्यों चाहिए? कि उसको सत्ता से ही फायदा है, आप और हम जैसे लोगों से फायदा नहीं है। और इसलिए जो कुछ कर रहा है वो लोगों को फंसा रहा है। ये लोगों की पूरी जानकारी है भाई, ये आदमी नरीमन पॉइंट में रहने वाला आदमी इधर हमारे लिए कुछ करने वाला नहीं है। वो खाली दिखावा करेगा इलेक्शन में, वो सोच रहा है कि मैं इलेक्शन में जीतेगा। भाई जीत बहुत लंबी है, आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। नवंबर में जीतने के लिए विजय नाटा जी को दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, ये विट्ठल मोरे का स्टेटमेंट है। ऐसे पॉलिटिकल सिनेरियो में प्रकल्पग्रस्तों को न्याय कब मिलेगा, कैसे मिलेगा? प्रकल्पग्रस्तों को न्याय मिलेगा, ये उसमें कोई दोराय नहीं है। देखिए इसके आगे ये गवर्नमेंट चेंज होगी, प्रकल्पग्रस्तों को न्याय मिलेगा। नवी मुंबई का विकास जो लोगों को चाहिए, इसमें जो इनबैलेंस हुआ है वो बैलेंस डेवलपमेंट होगा और लोगों का सबको अपना हक बराबर मिलेगा। बहुत बहुत थैंक यू मुरे साहब। जैसा कि आपने सुना कि शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट के जिला प्रमुख बेलापुर के विट्ठल मोरे साहब जो बता रहे थे कि ये जो जीआर निकला है गर्जेपोटी घरों के नियमन का, वो सिर्फ दिखावा है। इसके पहले भी मराठा आरक्षण का जीआर स्वयं मुख्यमंत्री ने अपने हाथों से मनोज जरांगे पाटिल को थमाया था, लेकिन उस पर आज तक अमल नहीं हुआ, तो इस जीआर पर भला अमल कैसे होगा? अब देखना होगा कि इसको लेकर सरकार कौन सा रुख अपनाती है और प्रकल्पग्रस्तों को कैसे फायदा पहुंचाती है। सहयोगी रविचंद के साथ मैं सुधीर शर्मा, टीवी वन इंडिया, नई मुंबई। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।